ये चंबल नदी है जो कि महू के जानापाव से शुरू होकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में काफी लंबी दूरी तय करती है। यहाँ इसका स्वरूप भले ही छोटा दिखाई दे किंतु आगे जाकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका भव्य स्वरूप दिखाई देता है। धार जिले के घाटा बिल्लोद से बहकर निकल रही चंबल नदी का पानी इन दिनों पूरी तरह से काला पड़ चुका है और पानी से बदबू भी आ रही है। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के इंडोरामा क्षेत्र की फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी नाले से होकर नदी में मिल रहा है, जिससे नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, जिससे न सिर्फ नदी में रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है बल्कि आसपास के क्षेत्र के सभी जल स्रोतों के भी प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। वहीं सैकड़ों मवेशी भी हर रोज इसी नदी का पानी पीते हैं। पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के दौरान प्रदूषित पानी भारी मात्रा में नदी में मिल गया है। कई फैक्ट्रियों द्वारा भारी बारिश का फायदा उठाकर हर साल प्रदूषित पानी नदी में छोड़ दिया जाता है, जिस पर कभी भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। इस बार भी अधिकारी सिर्फ जांच की बात कह रहे हैं और इसे औद्योगिक प्रदूषण नहीं मान रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपके माध्यम से मामला मेरे संज्ञान में आया था, तो मेरे द्वारा जो प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी हैं पीथमपुर क्षेत्र के, तो उनसे संबंध में बात की गई है और मेरे द्वारा उनसे जब पूछा गया तो उनका ऐसा कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो ड्रेन का पानी है जो नाला होता है बारिश में, चूँकि बारिश ज़्यादा होने से ओवरफ्लो होके वो नदी नालों में मिलता है, नदियों में मिल जाता है। तो उसी संबंध में मेरे द्वारा उनको कहा गया है कि आप एक बार जांच करें, सैम्पलिंग करें और ये डोमेस्टिक है या इंडस्ट्रियल है उसका पता करें। उनका कहना है कि ये डोमेस्टिक है, जिसका प्रमाण वो चेक करने के बाद में, सैम्पलिंग करने के बाद में देखते हैं। ये आप देख रहे हैं चंबल नदी है, इसमें आसपास पीतमपुर इंडोरमा का जहरीला पानी नाले द्वारा आ रहा है। जो लोग गाय भैंस या अन्य लोग नहा रहे हैं और जीव जंतु भी है इसमें, यह जहरीले पानी के कारण प्रदूषित हो रहा है। और घाटा बिल्लोद में जो बोरिंग है या और अन्य चीज़ें हैं इसको उपयोग में कर रहे हैं, वे हानिकारक है। ये पानी कब से खराब दिख रहा है आपको? ये गत 4-5 दिन से हो रहा है, जब से बारिश हुई है। इसमें आप देख रहे हैं पूरा पानी काला पड़ गया है। नदी में 2-3 रोज से पानी काला हो रहा है, पानी गंदा हो गया है। इंडोरामा पीथमपुर से छूटे हुए नाले हैं, खेड़ा बर्दरी के पास से निकला हुआ है, उसमें पानी छोड़ा रखा है। ढोर डांडे सब पानी पीते हैं, जन जनावर होल ट्यूबवेल सब खराब हो रहे हैं। तो ये हर साल होता है पंडित जी? हर साल। अभी कब से हो रहा है और कैसा हो गया पानी का रंग? पानी अभी काला हो गया, 4 दिन से हो रहा है।